नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से 26 अगस्त को एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज किया गया था। नोटिस में क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कौन सी लिस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, उस सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, वीडियो को लाइक करना। अब देखिए क्या है। डियर कैंडिडेट, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर ऑफर्ड हैज़ बीन पोस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एज पर मेरिट कैटेगरी वाइज एंड द चॉइस ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो आ गई है, यानी कि जिन स्टूडेंट का भी यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म हो गया। मान लीजिए कई स्टूडेंट थे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, उन्होंने तो फीस या तो पे नहीं की या कोई और रीज़न हो गया, तो उसके बाद जो लास्ट मेरिट लिस्ट है यानी कि जिन स्टूडेंट का भी यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म है, उनको यहाँ पर उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। अब देखिए क्या है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट इन पर्सन ऑन 1 सितंबर 2023 टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। द कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। यानी कि जिन स्टूडेंट की भी लिस्ट में नाम है उन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए 1 सितंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में है प्रेजेंट होना है। और यदि आपको इससे रिगार्डिंग कोई आगे फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिपार्टमेंट है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, यानी कि आपको 1 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए डिपार्टमेंट आना है। और जो लिस्ट है जिनका स्टूडेंट का भी यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म हो गया, उस लिस्ट को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो ये था नोटिस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से रिलीज किया गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।